लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण ग्रंथि है। लीवर को हम यकृत, जिगर एवं कलेजे के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे लीवर के नाम से ही जानते हैं। यदि हमारा लीवर स्वस्थ नहीं रहता है तो हमें कई तरह की डिसीज हो सकती हैं। इसलिए लीवर को स्वस्थ रखने के लिए उसका ख्याल रखना अपने बहुत खान जरूरी पीन पर है। ध्यान नहीं देते हैं, उनको किसी न किसी लीवर डिजीज का सामना करना पड़ सकता है, जैसे ज्वाइंटिस, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, लीवर सोरायसिस, लीवर कैंसर आदि प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इन्हीं में से एक हेपेटाइटिस बी को खत्म करने के लिए कैप्सूल Lif-52-SB के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या क्या मॉलिक्यूल्स हैं, ये किस तरह से काम करता है, इसके उपयोग, इसके नुकसान एवं इसके डोजेज, इन्हीं सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। आगे बढ़ने से पहले कुछ हेपेटाइटिस बी के बारे में बात कर लेते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होने वाला एक संक्रमण बीमारी है। इसके कारण लीवर पर सूजन आने के साथ साथ जलन पैदा होने लगती इसके है। सिम्टम्स या कैसे पहचान सकते हैं कि यह हेपेटाइटिस बी के लक्षण हैं? इसमें लीवर पर सूजन आने लगती है, त्वचा और आंखें पीली पड़ने लगती हैं, यूरिन का कलर एवं गाढ़ा होने लगता है, हाथ पैर एवं मुंह पर सूजन आने लगती है, अत्यधिक थकान एवं कमजोरी महसूस होने लगती है, उल्टी एवं पेट में दर्द शुरू हो जाता है, पाचन क्रिया के साथ साथ मुंह का स्वाद भी खराब होने लगता है, हल्का हल्का बुखार शुरू हो जाता है। चलिए वापस आते हैं Lif-52-SB कैप्सूल पर। यह हिमालय ड्रग कंपनी द्वारा बनाया गया है। इसमें होता है नट ग्रास मुस्ता और दूसरा अम्ब्रेला एज नगर मुस्तका। यह हेपेटाइटिस बी वायरस के प्रभावी प्रबंधन और उपचार के लिए हर्बल दवाई है। ये एंटीवायरल की एक्टिविटी पर दबाव डालती है और एंटीऑक्सीडेंट रक्षा प्रणाली को सामान रखती है। ये हेपेटाइटिस बी की एंटीजन सतह को दबाने के साथ साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अवरोध द्वारा हेपेटाइटिस बी संक्रमण वायरस को साफ करती है। ये हेपेटाइटिस बी वायरस से लीवर की सूजन को कम करता है एवं वायरस से रक्षा करता है। चलिए इसके डोजेज जान लेते हैं। एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से लेना है। इस कैप्सूल को कम से कम 6 माह तक लेना है यदि आपको हेपेटाइटिस बी वायरस को खत्म करना है तो। लेकिन फिर भी शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आप